सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम नीला सलाम। साथियों, मैं आज आप लोगों से बात करने के लिए आया हूँ कैसे नामर्द एक महिला के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। आप लोग वीडियो में देखिए, इतने सारे कम लगभग 10-15 से ऊपर होंगे, क्या नाम है, जेंट्स होंगे, वो कुत्ते एक महिला को मार रहे हैं, किस तरीके से उसको पीट रहे हैं, उसके कपड़ों को फाड़ रहे हैं और उसको बार बार डंडे से मार रहे हैं। मान लीजिए कोई भी बात हुई, मान लीजिए अगर वो महिला कोई अगर गलती भी की है तो उसके लिए प्रशासन है हमारे देश में, हमारे देश में लेडीज पुलिस है, उसको प्रशासन दे सजा। लेकिन ऐसे हिजड़े लोग अपनी नामर्दानगी का इस तरीके से फरमाएं, इस तरीके से कर रहे हैं, इन कुत्तों को शर्म भी नहीं आती एक महिला के ऊपर अत्याचार करते हुए। तो साथियों, आप लोग देखिए, जो लोग ये कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज पेपर खुले हो रहा है लेकिन इसके बारे में कोई आवाज उठाने के लिए तैयार। तो आप लोग देखिए, एक महिला को किस तरीके से पीटा जा रहा है। साथी, मान लीजिए अगर कोई इसने गलती भी किया तो उसके लिए आप जाके प्रशासन से बोलिए, अगर प्रशासन उसको ना सजा देती है तो उसको जनता दे सजा। लेकिन जब जनता देने लगे तो मैं ये सोचता हूँ कि हमारे देश में कानून किस लिए बना है। कानून को ये लोग उल्लंघन कर रहे हैं, जो कि इस तरीके से इन लोगों को नहीं करना चाहिए, इनको शर्म भी नहीं आती इस चीज़ के लिए। तो साथियों, आप लोगों से मेरा निवेदन है, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि ये कमीने, ये कुत्ते, ये पकड़े जाएं। क्योंकि इस महिला को जिस तरीके से पीट रहे हैं साथियों, किसी भी घर की बहन बेटियां रहें, अगर इस तरीके से किसी को भी पीटा जाए तो गलत लगता है, लेकिन ये कमीने, इन लोग को शर्म भी नहीं आ रही है, एक महिला के ऊपर लगातार अत्याचार करते जा रहे हैं और उनको डंडे से उसके ऊपर वायर करते जा रहे हैं। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है, इस मेरे वीडियो को शेयर करें ताकि वो ये लोग पकड़े जाएं और इनको कड़ी से कड़ी इनको सजा मिलनी चाहिए। तो सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम नीला सलाम। इस मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूले। जय भीम।